नमस्कार, मैं अंकित आप सभी का सरप्राइज ऑनलाइन एजुकेशन चैनल पर वेलकम करता हूं। आज आपका जो टॉपिक है उसका नाम है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हिंदी में कहते हैं पृष्ठ आवेश वितरण। ओके, पिछले टॉपिक में हम लोगों ने देखा था रेखीय आवेश वितरण के बारे में, तो आज हम लोग देखेंगे इसके बारे में। देखिए ये क्या होता है, इसमें लिखा गया है कि टॉपिक का नाम क्या है कि सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब क्या है कि अगर आवेशों का वितरण, आवेशों का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो किसी क्षेत्रफल पर हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्षेत्रफल आवेश वितरण या पृष्ठ आवेश वितरण। आप इस चित्र को देख रहे हैं, इसमें जो आवेश का वितरण है वो किसी एक रेखा पर ना हो करके बल्कि एक 2D डायमेंशन के फिगर पर है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इस प्रकार के वितरण को नाम क्या देते हैं, पृष्ठ आवेश वितरण। क्यों? क्योंकि आवेशों का वितरण इसमें पृष्ठ पर है। अब इसके बाद एक टॉपिक हमें और देखना पड़ता है इसी के अंतर्गत, उसका नाम होता है पृष्ठ आवेश, पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व। ठीक, इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। आखिर ये क्या होता है, देखिए यहाँ पे ये जो होता है आपका पृष्ठ आवेश घनत्व, इसको हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, और ये किसके बराबर होता है वो देखिए यहाँ पे dQ/dA। कहने का मतलब है पृष्ठ आवेश घनत्व को हम इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। देखिए इनका डेफिनेशन, इनका जो भी डेरिवेशन है मैं आपको PDF में प्रोवाइड कर दूंगा, यहाँ पे आप सिर्फ देखिए समझिए कैसे हम करते हैं। तो आपको क्या बताया कि पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है, dQ/dA के बराबर होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, dQ बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dQ बराबर सिग्मा dA के बराबर होती है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम कूलाम बल की बात करें, देखिए यहाँ पे आपके सामने डायग्राम बना गए, नहीं तो यहाँ नया डायग्राम, चलिए देखते हैं यहाँ पे कूलाम बल पर क्या इसका प्रभाव पड़ने वाला है। ये आपका मान लीजिए पृष्ठ आवेश हो गया, इसका एक छोटा सा पार्ट हम लेते हैं, अगर इस पूरे का क्षेत्रफल ए है, छोटे पार्ट का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा dA, इसमें एक थोड़ा सा आवेश लेंगे dQ, और यहाँ से r दूरी पर एक आवेश है Q0। अब देखिए QA और Q0 दोनों समान हैं, तो इन पर प्रतिकर्षण का बल लगेगा कूलाम का, तो इसको मैंने मान लिया बल लग रहा है, और इसका यूनिट वेक्टर मैंने मान लिया r कैप है। तो आइए चलिए कूलाम के नियम से हम क्या देखेंगे कि F बराबर कितना हो जाएगा, 1/4πε0। पहला चार्ज कितना है Q0, दूसरा कितना है यहाँ आप देख रहे हैं dQ/, दूरी कितनी है r², यूनिट वेक्टर कितना है r कैप। क्लियर, अब देखिए यहाँ पर वेक्टर F/1/4πε0Q0 dQ की वैल्यू हम यहाँ से ले सकते हैं, कितना है dQ बराबर सिग्मा dA, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं dQ के प्लेस पे सिग्मा dA/r² r कैप। क्लियर, सॉरी यहाँ पे जो बल लग रहा है आपका dF है। अगर मैं आपसे F निकालने को कहूँ तो आप पूरे पे इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, और इंटीग्रेशन अप्लाई करने के पहले हम क्या करेंगे, जो भी यहाँ पे कांस्टेंट हैं, जो भी कांस्टेंट है उनको हम बाहर ले लेते हैं। तो कांस्टेंट कौन कौन से हो जाएंगे, ऊपर के साइड में आपका हो जाएगा Q0, सिग्मा भी आपका कांस्टेंट है,
अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, एक कांस्टेंट है इस पर मैंने इंटीग्रेशन लगाया, अंदर क्या है डी ए आर कैप, और ए हो जाएगा किसी पृष्ठीय क्षेत्रफल पर लगने वाले बल का परिमाण। ओके, इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। धन्यवाद।